इंडिया। चलो शुरू। गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? फाइन, सारे अच्छे हो? ठंड पड़ गई है भाई, बढ़ गई है ठंड। बस एक काम मत करना नालायकों, कि रजाई में बैठे बैठे सो जाओ और मोबाइल को चालू छोड़ दो, है ना? बहुत से तुम लोगों में से ऐसे करते हैं, मुझे पता है, तो वो मत करना। रजाई में बैठ के आराम से क्लास ले रहे हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन पढ़ते रहना। चलिए, वैसे तो बच्चों आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की क्लास है, पर आई जस्ट फॉरगॉट, मैं भूल गई थी, तो मैं अपनी कुछ बुक्स वगैरह नहीं लेकर आई हूँ। तो अभी मेरे बैग में वही कल का ही बैग चल रहा है, तो आज फिजियो की हम क्लास लेंगे, ठीक है? फिजियो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कल नहीं हुई थी फिजियो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को प्रॉब्लम होना ही, मैडम तो मॉलिक्यूलर करेंगे, आई एम श्योर नहीं होगा। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग कर चुके थे, सेकेंड हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम लोग कर रहे थे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप लोगों का हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, कर चुके थे। हेलिकल स्ट्रक्चर में वो हो चुका था, सबको आई गेस समझ में आ गया था व्हाट इज द हेलिकल स्ट्रक्चर। आज जो हम कर रहे हैं वो है आपकी प्लीटेड शीट। आज कौन सा करेंगे हम? प्लीटेड शीट। ठीक है, प्लीटेड शीट। प्लीटेड शीट क्या है? देखिए, जो हम हेलिकल स्ट्रक्चर हम लोगों ने बात करी थी, तो हेलिकल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या कहा था कि एक ही चेन के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, या एक ही चेन के जो अमीनो एसिड्स हैं, इनके बीच में क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट हाइड्रोजन बॉन्ड, जो स्ट्रक्चर है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वो कैसी हो जाती है? कॉइल्ड हो जाती है, ट्विस्टेड हो जाती है। तो उसको हमने कहा था प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की आपको हेलिकल स्ट्रक्चर। अब जो हम बात कर रहे हैं प्लीटेड शीट, प्लीटेड शीट्स में एक्चुअली होता क्या है? इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू डिफरेंट हाइड्रो, इसमें भी बनते हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, क्योंकि मैंने आपको बोला ही था, ये बात हमने करी थी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मेनली क्या बनते हैं आपके? हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनते हैं, तो इसमें भी बनते हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। तो प्लीटेड शीट में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द अमीनो एसिड ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी कि दो अलग पॉलीपेप्टाइड, दो अलग अलग डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड जब एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाती हैं, तब उनके बीच में, जैसे हमने वहां पढ़ा था किसमें, हेलिकल स्ट्रक्चर में, कि थोड़ी डिस्टेंस पर लगे हुए अमीनो एसिड जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, तब उनके बीच में क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो सेम इसमें है, इसमें लेकिन दो अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स की जब अमीनो एसिड एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो उनकी वजह से उसमें क्या बन जाते हैं बच्चों? उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रीटलाइज स्ट्रक्चर। अब आप देखिएगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, इन दोनों के बीच में क्या बन जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह से। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्लीटेड शीट। इसको क्या बोला जाता है? प्लीटेड शीट, बिकॉज इट लुक्स लाइक द शीट। ये किसकी तरह दिख रहा है? एक शीट की तरह ये दिखता है। ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर को, प्लीटेड टाइप की स्ट्रक्चर को बीटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा स्ट्रक्चर। इसे और भी क्या कहा जाता है बच्चों? बीटा स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। अब आप देखिए, ये जो चेन्स हैं, हम मैंने आपको जब प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये बताया था कि जो अमीनो एसिड्स गिने जाते हैं, जो हम अमीनो एसिड्स की काउंटिंग करते हैं, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स जो गिने जाते हैं, वो कहाँ से गिने जाते हैं? एन टर्मिनस से गिने जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एन टर्मिनस से वो सीधे होते हैं। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन आ सकती है ना, इसमें ये वाला कंडीशन हो, ठीक है? तो जो दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ऐसे भी हो सकती है, और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन
ऐसे भी हो सकती है। आ रही है बात समझ में? हाँ क्लियर है। तो कैसे भी हो सकती है, इसका मतलब क्या है कि जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो पैरेलल भी हो सकती है और एंटी पैरेलल भी वो हो सकती है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इट इज कॉल्ड द प्लीटेड शीट। इसको क्या बोलते हैं? प्लीटेड शीट कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल क्या है? फाइब्रोइन, सिल्क प्रोटीन, प्लीटेड क्यों बोला? Because it is look like the plate like, भाई pleated का मतलब होता है, it is बिल्कुल ये planar होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं planar में है, spiral structure तो कैसा हो जाता है आपका, वो 3D हो लेता है, जैसे हमने बात करी spirally coiled है, तो वो कोई भी plane हो सकता है, but it is look like the pleats, मतलब plane में होते हैं ये और plate like दिखते हैं, that's why it is called as the pleated sheet, plane sheet, ठीक है? फाइब्रॉइड प्रोटीन क्या है? ये सिल्क वॉर्म प्रोटीन है, जो सिल्क वॉर्म बनाते हैं, सिल्क वॉर्म प्रोटीन, साथ में कहां पे होता है ये? स्पाइडर वेब, स्पाइडर वेब में भी ये होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या है आपकी? फाइब्रॉइड प्रोटीन। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये तो बात हुई किसकी? प्लीटेड शीट की। अब इसके बाद बात करते हैं रेंडम स्ट्रक्चर। ठीक है, आई एम श्योर प्लीटेड शीट सबको क्लियर है। अगला, रेंडम स्ट्रक्चर। व्हाट इज अ रेंडम स्ट्रक्चर? रेंडम स्ट्रक्चर होता है कि इसकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं है, जैसे हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर की एक डेफिनेट ज्योमेट्री थी, हमने कहा ये इट इज लुक लाइक द ट्विस्टेड और स्पाइरल ये दिखता है। प्लीटेड शीट, उसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री थी कि वो कैसे दिखते हैं? शीट लाइक दिखते हैं। ठीक है, प्लीटेड शीट की क्या ज्योमेट्री थी कि वो शीट लाइक दिखते हैं। सेम जो रेंडम स्ट्रक्चर है, इसकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती है। ठीक है ना, तो सबसे रैंडम इसीलिए इसको नाम दिया है, नो डेफिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, नो डेफिनेट ज्योमेट्री एज एज नो डेफिनेट एज नो डेफिनेट पैटर्न एज नो डेफिनेट पैटर्न ऑफ no definite pattern of hydrogen bonds and other bonds as no definite pattern of hydrogen bonds and other bonds jo bonds bond formation hota hai bond formation mein koi definite pattern nahi hota hai humne kaha hydrogen bonds mein koi definite pattern nahi hota hai that's why it looks like the random theek hai जैसे एक एग्जाम्पल है देखिएगा आप इसमें आपको दे रखा है एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल है पॉलीलायसिन हेलो चलिए जैसे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है पॉलीलाइसिन ठीक है पॉलीलाइसिन व्हाट इज पॉलीलाइसिन पॉलीलाइसिन क्या है एक रेगुलर ये शो करता है स्ट्रक्चर जैसे ये जब इसका टेम्परेचर जब कम रहता है जब पीएच कम रहता है और टेम्परेचर पीएच ज्यादा होता है मोर देन 10.5 और टेम्परेचर कितना रहता है बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड जब इसका पीएच कितना रहे मोर देन 10.5
ठीक है, और टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड जब इसका रहता है तो इट शोज द हेलिकल स्ट्रक्चर. ये कैसा स्ट्रक्चर शो करता है? हेलिकल स्ट्रक्चर ये शो करता है. ठीक, बट वेन द पीएच, जब पीएच, जब इसका टेम्परेचर कितना हो जाए अबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड, पीएच इसका रहता है वही 10.5 और प्लस, लेकिन टेम्परेचर कितना हो जाए, टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाए, दैट इज द 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो कैसा आ जाता है आपका, प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर. ठीक है, दैट मींस ये जो पॉलीलाइसिन है, ये जो पॉलीलाइसिन है इट डजंट शो द डेफिनेट पैटर्न. ठीक है, ये कोई डेफिनेट पैटर्न शो नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू इट्स फेवरेबल कंडीशंस, ये क्या कर लेता है, अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि इसका कोई, जब कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है तो इट शोज द रैंडम स्ट्रक्चर. तो ये कैसा स्ट्रक्चर शो करता है, रैंडम स्ट्रक्चर शो करता है. ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के हम लोगों ने तीन पढ़े थे क्या, पहला है आपका हेलिकल स्ट्रक्चर, दूसरा प्लीटेड शीट, और तीसरा आपकी है रैंडम स्ट्रक्चर. क्लियर? चलिए, ये बात हो गई सेकेंडरी स्ट्रक्चर की. नेक्स्ट अब बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर की. ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, हमने कहा प्राइमरी स्ट्रक्चर है. प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, यानी कि जब प्रोटीन्स, जब या अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, तो वो सिंपल चेन क्या है आपकी, प्राइमरी स्ट्रक्चर है. प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब और बॉन्ड फॉर्म हो जाए, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जिसमें एक पहले से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है, इसमें और बॉन्ड फॉर्म हो जाए, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाए और जिसकी वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, देन इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अब टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, टर्शरी है कि सेकेंडरी में बॉन्ड फॉर्म हो जाए, यानी कि ऑलरेडी जिसके, जिसका कोई ना कोई, जिसने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, वेदर इट इज हेलिकल स्ट्रक्चर, वेदर इट इज अ प्लीटेड शीट, जिसका ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जब वो और अपने ऊपर कॉइल्ड अप हो जाए, व्हेन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, व्हेन द प्रोटीन हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड गेट कॉइल्ड अगेन ऑन इटसेल्फ, देन इट फॉर्म द टर्शरी स्ट्रक्चर. तो वो क्या बनाता है, टर्शरी स्ट्रक्चर, तो हम इसमें लिख सकते हैं व्हेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स, व्हेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स गेट कॉइल्ड एंड फॉर्म्ड न्यू स्ट्रक्चर और ओरिएंटेशन then it's called, इसको क्या बोलते हैं हम, then it's called tertiary structure. ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, tertiary structure बोला जाता है. ठीक है, अच्छा, अब अभी तक हमने बात करी कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है हमारे, वो कैसे बन रहे थे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहे थे बाय द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बन रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था आपके CO और NH के बीच में, बन रहा था कि नहीं बन रहा था, इसी के बीच में बन रहा था, जिसके बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है उसी के ऑक्सीजन और किसी H ग्रुप, मतलब दूसरे अमीनो एसिड्स के हाइड्रोजन के साथ वो क्या बना रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था. लेकिन टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द लेटरल ग्रुप्स ऑफ अमीनो एसिड. ठीक है, बिटवीन द लेटरल ग्रुप्स ऑफ अमीनो एसिड. अमीनो एसिड कैसा और क्या होता है भाई, यही तो होता है, देखिए सी NH2, COOH, H और R, यही है. तो ये जो R है, R क्या है इसका, इसका ये lateral group है. ठीक है, R क्या है इसका, lateral group है. तो ये जो lateral group है इसी के साथ ये क्या कर लेता है, bond formation कर लेता है. तो हम ये लिख सकते हैं इसमें कि tertiary structure
structure form due to the tertiary structure form due to the formation of bond या bonds. Bonds में कई bonds हो सकते हैं. कौन कौन से? ये hydrogen bond हो सकता है, ये disulfide bond हो सकता है. I'm sure you remember it. What is a disulfide bond? तो disulfide bond हो सकता है और etc. कोई और bond भी हो सकता है. ठीक है, तो tertiary structure formed due to the formation of bonds, कोई सा भी हो सकता है, between the lateral groups of amino acid residues. Clear? Between the lateral groups of amino acid residues. क्लियर है बच्चों? ठीक है, कोई सा भी बॉन्ड हो सकता है. हमने कौन कौन से बॉन्ड पढ़े थे आपको याद होगा? हमने आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा, हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड बना, हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़े थे कि कोवेलेंट, हमने हाइड्रोफोबिक बॉन्ड पढ़े थे. ठीक है, आयनिक बॉन्ड पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी हम इनको कह सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे बॉन्ड जिसमें हो सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यानी कि ब्रैकेट में लिख दो आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स हो सकते हैं. ठीक है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स हो सकते हैं इनके साथ. Hydrophobic bonds are also present, which help in three-dimensional or 3D भी लिख सकते हो आप. Help in three-dimensional or 3D structure of protein. तो tertiary structure क्या है? It is a 3D structure. और ये 3D structure ये किसकी वजह से बनता है? By the different bonds. अलग-अलग bonds की वजह से क्या बनता है? इसमें 3D structure बनता है. Clear है बच्चों? कोई डाउट किसी को टर्शियरी स्ट्रक्चर में? श्योर नहीं होना चाहिए. यस, चलिए आगे बात करते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. क्या है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर? टर्शियरी स्ट्रक्चर, थ्री डिग्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं. अगली है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होती है? जब देखो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में हम बात करें तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बहुत ही कुछ प्रोटीन्स में मिलती है. मैं आपको एक बात बता दूं, मेनली प्रोटीन्स में हमको टर्शियरी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है. क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बहुत ही कम ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनमें क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है, या कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स में ही क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है. बेसिकली क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या चीज है? हमने अभी तक बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि यार प्रोटीन है, प्रोटीन में ही अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है,
बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन, पहली बात तो इट इज अ पॉलीमर्स, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स आर द पॉलीमर्स. ये क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं. पहली चीज तो पॉलीमर्स, दैट मीन्स मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स लिंक्ड टुगेदर. ठीक है, कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होती हैं? एक दूसरे से जुड़ी होती हैं. तो मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स लिंक्ड टुगेदर, एक साथ ये जुड़ी हो सकती हैं. अब इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन में कई सारे हो सकते हैं. वैसे तो ये पॉलीमर्स होते हैं, पर जरूरी नहीं है पॉलीमर्स हो, मोनोमर्स भी हो सकते हैं. लेकिन अगर ये पॉलीमर्स है, ठीक है, अगर ये पॉलीमर्स हैं तो पॉलीमर्स दो हो सकते हैं. एक हो सकते हैं ये होमोजीनस और एक हो सकते हैं ये हेट्रोजीनस. जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पॉलीसेक्राइड पढ़ाया था. पॉलीसेक्राइड में मैंने आपको बताया था होमो पॉलीसेक्राइड और हेट्रोजीनस पॉलीसेक्राइड. व्हाट इज अ होमो पॉलीसेक्राइड? जब बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट चेन, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही हो. मतलब मोनोसेक्राइड, जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड एक ही मोनोसेक्राइड के कई सारे पार्ट्स, मतलब कई सारे नंबर में वो जुड़ जाए. और व्हाट इज अ हेट्रो पॉलीसेक्राइड? जो बहुत सारे अलग अलग पॉलीसेक्राइड्स या मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े होते हैं, दैट इज अ हेट्रो पॉलीसेक्राइड. सेम यहाँ पर है कि जब एक ही हेट्रोजीनस, जब एक ही टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ी हुई होती हैं, देन दे आर कॉल्ड एज द होमोजीनस. और जब अलग अलग टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ जुड़ी होती हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द हेट्रोजीनस. ठीक है, तो इसमें मेन जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको मेनली यही लाइन, यही बात याद रखनी है. तो इसमें और क्या कह सकते हैं? पहली चीज और दूसरी चीज वही टर्शियरी स्ट्रक्चर की, कि डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल, different types of bond and mutual interactions are also, different type of bonds and mutual interaction are also present. ठीक है, क्लियर है बच्चों? इसके एग्जाम्पल आप लिख लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि कोई आपसे इसका स्ट्रक्चर या इसकी डेफिनेशन पूछे ना पूछे, कोई आपसे इसकी एग्जाम्पल जरूर पूछ सकता है. तो एग्जाम्पल क्या है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबॉडीज. वैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन ये भी आएंगे, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन ये भी आ रहे हैं प्रोटीन में आगे. इनके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है. ठीक है, क्लियर है बच्चों? टर्शरी स्ट्रक्चर क्लियर है सभी को? चलिए, टर्शरी सॉरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. ठीक है भाई, तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर्स की. अब आगे बात करते हैं. आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन. तो प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन जो हैं वो किस तरह से हो सकते हैं? उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, उनकी कंपोजिशन के बेसिस पर. ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन ऑन कंपोजिशन हम पहले यहां पढ़ेंगे. मैंने आपको बोला कंपोजिशन के बेसिस पर हो सकते हैं. कंपोजिशन के बेसिस पर, कंपोजिशन के बेसिस पर इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. कौन कौन से? एक हो सकते हैं सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन.
ठीक है, कौन कौन से तीन प्रोटीन्स हो सकते हैं? सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। अब इसके अंदर भी, सिंपल प्रोटीन्स के अंदर भी कई सारे हैं जिनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आप चार्ट वाइज लिखना चाहते हैं तो आप चार्ट वाइज लिख सकते हैं, इस तरह से लिखना चाहते हैं। और अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग चार्ट वाइज नहीं लिखना चाहते हैं, आप लोग इसको ऐसे ही याद कर लेंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले है आपको एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, आई एम श्योर सबको पता है एल्ब्यूमिन कहाँ होता है। एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है एग्स में, ठीक है ना। एल्ब्यूमिन कहाँ होता है? ये एग्स में होता है। तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, इसके बारे में अगर बात करें तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर में कैसा रहता है ये? सॉल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है। वैसे ये क्या है? सॉल्यूबल है वाटर में, बट लेकिन When heated, जब इसको हम हीट करते हैं, when heating, जब इसको आप गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर when heating it get coagulated. ठीक है, soluble होता है albumin, soluble in water, but when heating, जब इसको हम गर्म करते हैं, it gets coagulated. ये कैसा हो जाता है? Coagulated हो जाता है। Coagulated का मतलब क्या है? आप जैसे थक्के बन जाना कहते हैं ना, किसी चीज के थक्के बन जाना, एक जमा हो जाना, तो वही से कोगुलेशन, मतलब आपस में क्या हो जाते हैं? प्रोटीन्स जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इट गेट्स कोगुलेटेड जब हम इसको गर्म करते हैं। दूसरा क्या है कि एक तो इसके कोगुलेशन हो जाएगा, थक्के बन जाएंगे, और अगर हमने इसके मीडियम में क्या डाल दिया? अमोनियम सल्फेट। क्या डाला? अमोनियम सल्फेट। अगर आप इसके मीडियम में अमोनियम सल्फेट डाल देते हैं, सो इट गेट प्रेसिपिटेटेड। तो एल्ब्यूमिन कैसा हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। पीपीटी, पीपीटी का मतलब पीपीटी स्लाइड्स नहीं है, इट इज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट। तो पहला सिंपल प्रोटीन क्या है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो कि, तो चलिए ज्वाइन कर लीजिए पहले क्लास।